सम्राट सर के क्लास में सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। और एक बहुत ही मैं शानदार बाबू टॉपिक लेकर आया हूँ, यूज अप अंटिल आई डाई। तो यही आज का मेरा टॉपिक होगा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जितने मेरे व्यूअर है, सब्सक्राइबर्स है, अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम या यूट्यूब पर सम्राट क्लासेस सर्च मारिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। तो देखिए, अंटिल आई डाई का मतलब होता है मरते दम तक। इसका अर्थ में होता है अंटिल आई डाई का मरते दम तक। अब देखिए, मैं इसका फॉर्मूला सेट कर रहा हूं, बहुत मजेदार यूज है। तो सबसे पहले हमारा होगा बाबू सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर होगा आपका विल, फ्यूचर पढ़ा रहे, फ्यूचर में यहाँ पर विल होगा, और उसके बाद से प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद ये रहेगा अंटिल, अंटिल आई, उसके बाद क्या हो जाएगा आई डाई। देख रहे हैं, बहुत आसान है। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला के अनुसार हम रखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। इस पर जैसे मान लीजिए दे देगा कि मैं मरते दम तक मैं तुम्हें प्यार करूंगा। मरते दम तक मैं तुम्हें प्यार करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले इसको तो छोड़ दे, मरते दम की लास्ट में लिखना है, पहले मैं तुम्हें प्यार करूंगा, फ्यूचर इंडिफिनिट है ना, तो अवश्य की बात इसमें है। तो आई के साथ सही लगता है, लेकिन विल कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा हमारा आई, और उसके बाद से विल, और उसके बाद से प्रेम करना लव, और यू है ना सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से विल हो गया, उसके बाद से प्यार लव, उसके बाद से यू मैंने तुम्हें, और लास्ट में लिख देंगे देखिए अंटिल मरते दम तक। तो यहां हो जाएगा अंटिल आई, और उसके बाद से डाई। देख रहे कैसे बन रहा है, बहुत इजी है, कुछ इसमें नहीं है। एक और देख लीजिए, मरते दम तक मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। बहुत आसान है, देखिए बहुत साधारण यहां पर है। तो पहले मरते दम तो छोड़ दीजिए, ये बनाइए मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। तो यहां पर सबसे पहले आई, और अवश्यता की बात है, यहां पर विल लगा देंगे, इसलिए कि आई के साथ सही लगता है, लेकिन यह अवस्था है मरते दम तक मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, तेरा साथ ही साथ ही निभाऊंगा, जान है जहान है, कभी भी जब तक जान रहेगी इस फेफड़े में करेजा में, तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, यह अवश्य की अनिवार्यता की बात है। तो यहां पर विल, और उसके बाद पढ़ाना क्या होता है टीच, और उसके बाद से टीच क्या हो जाएगा इंग्लिश, ये इंग्लिश हो जाएगा। अब देखिए मरते दम तक देखिए हो गया ना, ये हो जाएगा आपका अंटिल, और उसके बाद से आई, और उसके बाद से डाई। बहुत आसान, एक लास्ट देख लीजिए और, मरते दम तक मैं पनीर खाऊंगा। मरते दम तक। तो देखिए सबसे पहले ये बनेगा, इसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले मैं पनीर खाऊंगा, फ्यूचर इंडिफिनिट है ना, है, तो ये सबसे बनाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा आई, और आई के साथ विल, अनिवार्य के लिए विल लगा तो सही लगता है, मैं बता चुका हूं, और उसके बाद से ईट, और चीज मैंने क्या होता है पनीर, और मरते दम तक तो अंटिल, और उसके बाद से आई, और उसके बाद से डाई। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक आप लोग इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।